वहीं कटिहार में भी अपराधियों के हौसले बुलंद है। बदमाशों ने एबीवीपी नेता को गोली मारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व सीमांचल प्रमुख सौरभ यादव घायल हुए हैं। कटिहार मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है। सहायक थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुरी के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कटिहार से। कटिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों ने एबीवीपी नेता को गोली मारी है। पूर्व सीमांचल प्रमुख गौरव यादव घायल हो गए हैं। हालांकि कटिहार मेडिकल कॉलेज में उन्हें भर्ती कराया गया है, जहां पर फिलहाल उनका इलाज जारी है। सहायक थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुरी की ये पूरी घटना है। कटिहार से ये बड़ी खबर है। बदमाशों के हौसले यहाँ पर बुलंद नजर आ रहे हैं। बदमाशों ने एबीवीपी नेता को गोली मार दी है। पूर्व सीमांचल प्रमुख गौरव यादव घायल हो गए हैं। संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। नीरज, कटिहार में देखिए अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है, अंदाजा लगाया जा सकता है। बदमाशों ने एबीवीपी नेता को गोली मार दी है। फिलहाल उनके स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ अपडेट और इस पूरे मामले की जानकारी भी? देखिए, जो एबीपी के जो कार्यकर्ता हैं, देर रात वो अपने घर जा रहे थे, इसी दौरान जो उनको रोक करके उसे गोली मार दी गई है। और आपको बता दें कि जो ये एबीपी कार्यकर्ता हैं, वो सोशल वर्क में बहुत ज्यादा एक्टिव थे और विगत चुनाव भी नगर निगम का क्षेत्र में था और इसमें बढ़ करके वो हिस्सा ले रहे थे। पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है, लेकिन अभी जो कार्यकर्ता है एबीपी के, वो अभी खतरे से बाहर हैं। जी ठीक है नीरज, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। कटिहार से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। अहमदाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 517 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है। पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल के मालदा का रहने वाला है आरोपी और अंधेरे का फायदा उठाकर कई तस्कर फरार हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कटिहार से इस वक्त की बड़ी जानकारी। अहमदाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 517.8 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है। पुलिस ने एक तस्कर को इस दौरान गिरफ्तार भी कर लिया है। नीरज बने हुए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। नीरज, कटिहार से ये जानकारी मिल रही है, अहमदाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 517.8 लीटर विदेशी शराब भी पुलिस ने बरामद की है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? देखिए, ये जो अहमदाबाद जो क्षेत्र है वो बंगाल का सीमावर्ती क्षेत्र रहा है। वहाँ तीन राज्यों की सीमा सटी हुई, बंगाल, झारखंड और बिहार, और ये अपराधियों की शरणस्थली रही है और शराब का तस्करी बृहद पैमाने पर इस क्षेत्र से लगातार हो रही थी। और बिहार में के साथ साथ पूरे देश में फेस्टिवल है और फेस्टिवल में शराब की मांग सबसे ज्यादा रहती है, इसलिए भारी मात्रा में बंगाल से शराब की तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक बाइक और एक ट्रैक्टर और एक मैजिक गाड़ी के साथ शराब को बरामद किया, साथ ही एक शराब तस्कर को गिरफ्तार भी किया है। जी बिल्कुल, देखिए जानकारी ये भी है कि अंधेरे का फायदा उठाकर कई तस्कर मौके से फरार हो गए हैं, तो क्या उन तस्करों की तलाश भी फिलहाल पुलिस की तरफ से की जा रही है? देखिए, जाहिर सी बात है कि जब जहां ट्रैक्टर, ट्रॉली और मैजिक और बाइक है और इतने लोग इसके साथ कई लोग थे, इतने जो भारी मात्रा में शराब की तस्करी लग रही थी, इसको अनलोड करना था, तो कहीं ना कहीं भारी मात्रा अच्छे संख्या में लोग मौजूद थे। लेकिन अंधेरा अधिक होने के कारण, आपको पहले भी बता दूं कि नदी का जो क्षेत्र रहा है वहाँ अंधेरा ज्यादा अंधेरा रहता है और अंधेरा अधिक रहने के कारण शराब के जो कारोबारी थे वो फरार हो गए, लेकिन पुलिस के दबिश के कारण एक शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है नीरज, बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी